Kishore Kumar Gupta and the Travinash Kumar Gupta. Zordar taaliyan. सम्मान हुआ ना, ये सम्मान मेरे दिल को भी भर दिया और मुझे लगता है कि ये सम्मान देख करके बहुत सारे लोगों का दिल भर गया होगा कि काश ये मेरे साथ हुआ होता। चलिए दोस्तों, अपने बारे में कुछ बताने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इतने सारे लोगों के बीच में आज मैं खड़ा हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और जिसका पूरा श्रेय हमारे गुरु जी लोग यहाँ बैठे हैं जिनको जाता है। सबसे पहले दोस्तों, मेरा नाम अविनाश कुमार गुप्ता हुआ और इस बिजनेस में मैं कैसे आया मैं जरूर आपको बताऊंगा। और मैं आपको अपनी बात एक रखना चाहूंगा कि इस बिजनेस की शुरुआत मेरी कितनी संघर्ष भरी रही, जिसके वजह से मैं कभी बिजनेस को छोड़ूं कि ना करूं, ये सब चीज़ें चलती रहीं। मेरे पिताजी गाजीपुर में एक छोटे मोटे दुकानदार हैं। मैं अपनी बात रखता हूँ कि हुआ क्या है कि मैं अपने सामने आपको बताना चाहूँगा कि गरीबी क्या होती है, उस सहज से मैं आया हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी 5-6 हज़ार रुपये महीने कमाते थे सर, दोस्तों का दुकान पे 5-6 हज़ार रुपये महीना कमाते थे। और मैंने वहाँ पे पिताजी को ये भी देखा कि मेरे दो भाई जो छोटे थे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। पैसे की कमी होने की वजह से हमारे पिताजी ने 5 क्लास तक CBSE बोर्ड पढ़ाया और 6 क्लास में आने के बाद मेरे पिताजी ने मेरे दोनों भाइयों को उठा करके सर UP बोर्ड में डाल दिया। उस कंडीशन से हम लोग आए हैं, आप समझ रहे हैं। उसके बाद अगर मैं अपनी एक छोटी सी घटना रखूंगा कि मेरे जीवन में आखिर मैं यहाँ तक कैसे आया। कुछ लोग जीवन में जब खराब होता है ना तो लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ। मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना, मैं 11th में था, मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा ऐसा कर कि पढ़ाई छोड़ दे, दो भाई छोटे उनको पढ़ाते हैं और वो पढ़ लेंगे तो कुछ बड़ा कर जाएंगे और दोनों मिलकर कमाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि स्थिति ये थी कि मैं जब बायोलॉजी लेकर 12th में पढ़ रहा था तो मैं बायोलॉजी तक की कोचिंग की फीस जमा करने की हमारी हैसियत नहीं थी। मैंने बायोलॉजी कोचिंग की फीस की नहीं जमा की थी। और जब ये चल रहा था मेरे साथ तो मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा दोनों भाई को पढ़ाते हैं और तू हमारे साथ काम कर ले। ऐसा बहुत सारे लोग क्या, जो बड़ा भाई होगा उस समझ रहा होगा मेरी बात को, है ना। लेकिन एक घटना ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया, शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। वो घटना ये थी कि मेरा जब घर बना हुआ था तो जब मेरा दोस्तों घर बनाना, तो मेरे पिताजी की स्थिति इतनी हो गई कि दुकान से उन्होंने पूंजी जो भी 1-2 लाख रुपए थी निकाल दी और उनको पता नहीं चला। और जब महाजन दुकान पे आते थे ना तो मेरे पिताजी दुकान छोड़ के भाग जाया करते थे और महाजन आके ना मेरे को सर मेरे पिताजी को मेरे सामने अशब्द बोलते थे। ये दिन मैंने देखे और उस समय मुझे फील हुआ था कि जीवन में अगर कुछ भी करना है तो सबसे पहले पैसा कमाना पड़ेगा। जीवन में इज्जत पैसे वालों की है सर। और जब मेरे पिताजी ने बोला मुझे कि बेटा पढ़ाई छोड़ दे, तो मुझे एक घटना बताता हूँ आपको। मेरे घर में जब गृह प्रवेश था तो मेरे चाचा जी लगेंगे उनकी वाइफ आई थी, वो लोग बाहर रहते थे।
तो मेरे घर पे जब आए ना, तो जो बाथरूम में, थोड़ा खुल के बात करता हूँ, जो बाथरूम था उसमें दरवाजा नहीं था। तो मेरे पिताजी ने सबको बहुत ही चाव से बुलाया था कि अपना घर बना है, दो रूम का बना है ये। आज जब उसमें दरवाजा नहीं था, बोड़ा टांगा था, बोड़ा समझ रहे होंगे आप लोग, नहीं होता तो खराब सिचुएशन में लोग उसको लगा देते हैं कि किसी तरह से आड़ रहे। जब मेरी उसमें चाची जी गई ना, तो आने के बाद उन्होंने बड़ा अजीब बोला मेरे पिताजी के लिए, बोला कि जब भैया व्यवस्था नहीं थी तो क्यों बुलाया आपने, समझिएगा। और मैं वहीं खड़ा था, और मैंने उस दिन मुझे समझ में आ गया, जीवन में किसी के लिए कुछ कर दो, जिस दिन उसका समय बदलेगा और आपका खराब समय आएगा, साला साथ कोई नहीं देता, कोई साथ नहीं देता आपका। बहुत सारे बड़े भाई बैठे होंगे जो अपने भाइयों को चाहते होंगे पढ़ाना, मैं भी चाहता था, लेकिन मुझे जब मेरे पिताजी ने छोड़ने की बात बोली ना, तो मुझे एक बात समझ में आ गई, मेरे पिताजी भी तीन भाई हैं, सबसे बड़े मेरे पिताजी हैं। अगर उनके सगे भाई की वाइफ अगर ये बोल सकती है, तो कल मैं उनको पढ़ाते समय छोटे मोटे दुकानदार और मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे भाई आगे निकल गए, तो साला इज्जत देगा कोई अपने को, देगा कोई अपने को इज्जत, नहीं देगा। मैंने पिताजी को ये नहीं बोला, लेकिन बोला कि मैं पिताजी पढ़ाई करूंगा। 12th में बायोलॉजी मेरा मेन सब्जेक्ट था, मैंने उसकी कोचिंग नहीं की, लड़ झगड़ के मैंने 12th की एग्जाम किया अपना, फर्स्ट डिवीजन किसी तरह से पास हो गया 61% लेकर के यूपी बोर्ड से। उसके बाद जब मैं BHU, मेरे को गौर था कि डॉक्टर बनना है, मैंने बायोलॉजी इसी ली थी। PMT की मैंने तैयारी करने के लिए, मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे सर, और कंडीशन उस समय थी कि मेरा अपेंडिस का ऑपरेशन होने वाला था, मेरे को पेट हमेशा दर्द करता था। इस कंडीशन में जब मैं बार बार बोलूँ तो ऑपरेशन तक करवाने के पैसे नहीं थे सर। और मैं जब बनारस गया ना सर तैयारी करने, तो मेरे नानी ने मेरे को कुछ पैसा दिया कि जाए फीस जमा कर देना। और मैं आपको बताऊं सर, मैं कुछ दिन रहा, जब दूसरे साल में तैयारी कर रहा था ना, तो मैं जिस रूम में रहता था ना, उस आधे रूम में 1000 रुपया देता, आधे रूम में बालू भरा हुआ था, और उस आधे रूम में सो करके मैंने अपनी तैयारी की है सर, समझ रहे हो आप, उस रूम में मैंने तैयारी की है। और जब मैं खाना बनाता था ना, पंखा चला देता था तो बालू खींचता था सर। और जब लास्ट में तीसरे साल में जब तैयारी कर रहा था, क्योंकि मुझे जुनून था बनना है, डॉक्टर बनना है सर, साइकिल तक खरीदने तक के लिए पैसे मुझे लेने पड़ गए थे उस समय। और जब तीसरी साल मैं तैयारी करने निकला, तो मेरी फीस उस समय कोचिंग की 30,000 जमा करनी थी, मैंने 10,000 दिए थे। मैं आपको अपनी रियल बता रहा हूँ, मुझे नवंबर महीने में कोचिंग से भगा दिया गया सर, 10,000 दिया था। फिर पिताजी से क्या मांगू, स्थिति मेरे को खुद पता है सर, दो भाई को नहीं पढ़ा पाते, क्या देते मुझे। मैं समझ रहा था बात को, मैं नवंबर, मुझे 3-4 बार जब कोचिंग से बेइज्जत करके भगा दिया गया, इसी बनारस में दुर्गा कुंड में मैं जब पढ़ाई कर रहा था, MTCI कोचिंग चलती थी, नॉलेज प्लस चलती थी, और जब मुझे भगा दिया ना, राम मंदिर के सामने जाके मैं बैठता था और सोचता था कि भगवान इतनी खराब स्थिति जो आई है ना, एक अवसर देना साला जान लगा देंगे, लेकिन मैं रियल बताता हूँ कि दुनिया में अपने परिवार के अंदर कभी पैसे की दिक्कत नहीं आती कि साला मेरा लड़का कभी मंदिर के बाहर बैठे। इस कंडीशन से गुजरा हूँ सर। फिर किसी तरह से मेरा BHU, मतलब मैं MBBS में नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, मैं BHU आ गया। उसमें मुझे बड़ा खराब लगता था, मेरे साथ भगवान ने बहुत गलत किया, पैसे की दिल्लत मैं शुरू से देख रहा हूँ, पिताजी की बेइज्जती मैंने देखी है, दोनों भाई को CBSE बोर्ड से UP बोर्ड में डालते मैंने देखा है, अपना खुद का मेन कोर्स का कोचिंग मैंने नहीं चाहिए वो मैंने देखा, सब कुछ। ये कहते हैं सर ना कि जो होता है अच्छे के लिए। मैं BHU आया, और मैं आपको बताऊं सर, जब BHU में मैं आया था ना, मेरे पिताजी मेरे को महीने का 4,000 नहीं दे पाते थे, क्योंकि एक टाइम का खाना 35 रुपये का था सर, दो टाइम 70, एक दिन का 100 रुपये, 3,000 रुपये मुझे देते, कापी किताब 4,000 तो नहीं चलता। मैं आपको बताऊं सर, मैं BHU के अंदर सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के अंदर, जहां पे मरीज खाते ना 15 रुपये का खाना, साला 3 महीना में वहां खाना खाया हूं उस जगह पे। क्यों, 15 रुपये का खाना और 1 रुपये की प्लेट मिलती थी सर, 16 रुपये में काम चलता था अपना। और मेरे दोस्त पूछते थे कि अविनाश भाई कहां खाने जाओ, तो क्या बोलूं कि स्थिति इतनी खराब चल रही है। लेकिन एक मेरे दोस्त ने बोला, तेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी यार, पढ़ाया कर तू, तो हो सकता कुछ पैसे कमा ले। मैं उस धन्यवाद देना चाहूँगा अपने दोस्तों का, जिन्होंने मुझे इसके अवगत करा, तेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी है। मैंने पढ़ाना शुरू किया, और पहले होम ट्यूशन पढ़ाया, फिर कोचिंग पढ़ाई, फिर PMT वालों में 11th 12th फाउंडेशन पढ़ाया, 3.5 साल मैंने कोचिंग पढ़ाई, तब जाके मेरी स्थिति जो है सर सुधरी उस समय। तब मैं अपने लिए भी कुछ कर पाता था, अपने भाइयों को परिवार में कुछ दे पाता था उस समय, जब मैं पार्ट टाइम में लगभग 30-35 हज़ार कमा ले रहा था उस समय, 2013-14 की बात है। उसी के दौरान जब मैं कोचिंग से पढ़ा के उतर रहा था, तो हमारे ग्रेट गुरु, मैं गुरुजी को नमन करता हूँ, गुरुजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ,
कि दुबे गुरु जी उसी कोचिंग में उस ऑनर को प्लान देने आए थे और उन्होंने मुझे सीढ़ी से उतरते देख लिया और पता चला कि भाई ये तो हमारा क्लासमेट है और जो मुझे ज्वाइन कराने वाला था वो तो अपलाइन भाग गया। सर बहुत सारे लोग का भाग जाता है ना, उसमें परेशान होने का जरूरत नहीं है। उसने दुबे, क्योंकि वो मेरा बड़ा अच्छा मित्र था, दुबे सर उसके अच्छे मित्र थे, तो इसी तरह दुबे सर ने मुझे प्लान के विषय में समझाया बताया। और मैं आपको बताता हूँ, जब प्लान में सुन के आया ना, दुबे सर का BHU के अंदर धसक था, लोग उनको देख के भाग जाते थे, लोग रास्ता बदल देते थे, सर ये धसक था दुबे सर का। और जब मैं दुबे सर के रूम से प्लान को समझ करके निकला, उससे मेरा स्टेशन का 350 था दे करके निकला, तो मेरे को लोगों ने रूम में घेर लिया। ऐसा आपके साथ भी होगा, घेर लिया, बोला कहाँ से आ रहा है, मेरे बोला उधर समझ के आ रहा हूँ कुछ, बोला देना नहीं पैसा, फंसना नहीं है, वो फंसाने वाला काम करते, बहुत सारी चीज चली, मेरे को लगा फंस गया लगता। उसने बोला पैसा तो नहीं दे, बोला नहीं दिया, जबकि दे चुका था मैं। हम भी बोलते ऐसा क्यों, अपनी बेइज्जती सामने हो रही है। मैंने कहा नहीं दिया 350, बोला मत देना, कुछ नहीं होगा, वो तो खुद नहीं पढ़ेगा, एक दिन देखना बर्बाद हो जाएगा। मैं कहता हूँ सर कि वो अगर बर्बाद होने जो दोस्त मेरे कहा करते, अगर ये बर्बादी तो साला सबको बर्बाद होना चाहिए, सबको बर्बाद होना चाहिए सर, अगर बर्बादी इसको कहते हैं तो। उसके बाद दुबे सर का मैं धन्यवाद, बड़ा इन्होंने मुझे दूसरी बार टच किया, तीसरी बार, लेकिन होता फोन ब्लैकलिस्ट में मैंने डाल दिया था, आप लोग भी डालते होंगे। सर ने बहुत मुझे कोशिश की, पकड़ा, एक दिन समझा डाला। उन्होंने एक ही बात बोली कि तू जिससे सजेशन ले रहा है, ठीक है, वो सोच कि उसकी क्या है, हैसियत है, औकात है। तो जो मुझे सजेशन दे रहा था मेरा दोस्त का जीजा, वो लैब अटेंडेंट था भाई साहब, 20,000 में प्राइवेट नौकरी करता था, उसने मुझे उल्टा समझाया था। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, गुरु जी ने मुझे समझाया कि जिस चीज के लिए तू भाग रहा है, ठीक है, करोड़ों कमाने के लिए, तो उनसे पूछो करोड़ों कमाते हैं, जिस जगह को जानते हैं लोग। और गलती यही हम करते हैं, कमाना करोड़ों है, 20,000 वाले सजेशन लेते हैं जो मैं किया था। लेकिन मैं धन्यवाद हुआ गुरु जी मेरे पीछे पड़े रहे और ज्वाइन कराया। और ज्वाइन कराने के बाद दोस्त कहते हैं ना कि एक दिन गुरु जी ने हमको प्रोग्राम दिखा दिया और जुनून आ गया, और मैंने गुरु जी को देखते हुए, हम आदित्य सर और दुबे सर ने एक साथ पढ़ाई छोड़ी BHU यूनिवर्सिटी में, हमने ग्रेजुएशन करके, ठीक है, मैंने MSc फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ाई छोड़ दी सर, इस बिजनेस के लिए पढ़ाई छोड़ी है सर MSc में, जूलॉजी ऑनर्स था मेरा। उसके बाद जब मैं पढ़ाई छोड़ा, कोचिंग पढ़ाता था उसमें भी दिक्कत आने, कोचिंग भी छोड़ा। अच्छा, कोचिंग छोड़ने के बाद सर औकात आ गई जीरो पे, बिजनेस शुरू में नहीं उठता, मुझे पता है। और इस बिजनेस में मैं आपको बताऊंगा सर, मुझे इस बिजनेस में बहुत संघर्ष करना पड़ा, 8 महीने लग गए मुझे सिल्वर बनने में, खाली 8 महीने में 10,000 रुपये कमाया। और दुबे सर को मैं कई बार फोन करके बोला और रोया भी हूं सर, क्योंकि यही मुझे लाने वाले थे, किसके सामने रोता, रोया, बोला सर गलत डिसीजन ले लिया छोड़ के, कोचिंग ठीक थी, वो इनकम कुछ तो आती थी, आसर स्थिति बहुत खराब हो गई है, क्योंकि दुनिया का कोई काम करो घर वाले पैसा का सपोर्ट कर देंगे, दो दुनिया के चार जैसे सुने वैसे ही तुमको छोड़ देंगे, सबके साथ होता है सर। उन माँ बाप को मैं कहूंगा सर सपोर्ट करो बेटे का, मेरे को नहीं मिला सपोर्ट, लेकिन बहुत कष्ट हुआ, कैसे कैसे कर करके मैंने कंप्लीट किया सर। और बिजनेस के दौरान मैं बोलूं, बहुत समस्याएं सबके साथ होती है, हमारे साथ भी आई। 1.5 साल लग गए मुझे टोपाज बनने में, 1.5 साल में मैं टोपाज बना सर, 8 महीने में 10,000 रुपये कमाया था, 1.5 साल में टोपाज बना। बहुत सारे लोग इस जगह पे छोड़ देते, अगर मैं छोड़ दिया होता तो शायद यहाँ नहीं खड़ा होता। 1.5 साल में मैं टोपाज बना, लेकिन उसके 2.5 साल के अंदर आपके ब्लू डायमंड, अगले महीने ब्लैक डायमंड बन के आ रहा हूं, नेक्स्ट मंथ मेरा ब्लैक डायमंड कंप्लीट हो रहा है। 8 महीने में कमाया था 10,000, 1.5 साल में कमाया था 4 लाख, और उसके अगले 2.5 साल में कमाया हूं 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ की इनकम है सर, 2.5 करोड़। और जो मेरे दोस्त बोला करते थे ना कि कुछ नहीं होता सर, उनको बताना, मेरा पूरे क्लास में 180 का बैच था, कोई 30,000, कोई 35,000, कोई बहुत काबिल रहा 70-80,000 पर नौकरी कर रहा है सर, उससे ज्यादा तो मेरे BMW का EMI जाता है भाई साहब, जितना वो कमाते हैं। और गुरु जी बोला करते थे कि सर एक दिन गाड़ी आएगी, विदेश घूमेंगे, आपको भी मजाक लगता होगा बहुत सारे लोगों को, क्या बोल रहा है, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव, ये क्या BMW जगवार चल रही, तो सब एक ही कहानी बताते हैं BMW जगवार, सही है, सब वही कहानी बताते हैं। और जो विश्वास किया है उसके पास है भाई साहब 85 लाख रुपए की BMW 5 सीरीज, बाहर ब्लैक कलर की खड़ी है मेरी, 85 लाख रुपए की BMW 5 सीरीज आई।
मेरी आई आपकी भी आएगी, मेरी आई तो आपकी भी आएगी। घबराना नहीं है भगवान। सर मैं एक बात समझ में आ गया, अगर भगवान आपके पाप का फल आपको देता होगा तो साला मेहनत का भी देगा। इतना मेहनत करो कि ऊपर वाला मजबूर हो जाए देने के लिए। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है सर, मैंने श्री कृष्णा देखा, रामायण देखा, बहुत साले वहां पे दानव राक्षस आपने देखे, उनको ताकतवर किसने बनाया? भगवान ने। किस लिए? सिद्धा से पूजा की, जबकि पता था कि ये साला डंडा हमारे में करेगा, फिर भी ताकतवर बनाया। क्यों? सिद्धा थी उस चीज के प्रति। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर भगवान गलत लोगों को ताकतवर बना सकता है तो साला हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, और एक दिन जरूर उसको मुझ पे दया आएगी और वह मुझे करोड़पति बनाएगा। और आज इस बिजनेस में 2.5 करोड़ रुपए कमाया हूं सर। तो सर मेहनत से नहीं घबराना है। हर इंसान का एक कोटा होता है, कोटा जिस दिन भरेगा, कहते हैं ना पाप का घड़ा भरता है तो हिसाब होता है। तो भाई साहब मेहनत का घड़ा भी भरेंगे हम, संघर्ष का भी घड़ा भरेंगे, और जब हिसाब होगा ना इस तरह पूरी दुनिया देखेगी कि साला किसी ने कुछ किया है, हिसाब होगा। और संघर्ष की बात करूं सर ना, सबके जीवन में है, कोई यहां ऐसे आगे नहीं आया है। हमें लगता है कि सबसे ज्यादा मेरे साथ गलत हो रहा है, तो गलत तेरे साथ ज्यादा हो रहा है तो मिलेगा भी तुझे ही ज्यादा। जिसके साथ गलत ज्यादा मिलेगा उसको ज्यादा है ना। और उसी बीएचयू में मैं बताया सर जो चीजें रही, इन सब चीजों को झेल करके मुझे एक बात आज समझ में आई थी जब मैं एंट्री कर रहा था, कि भगवान ने जो संरचना रची थी ना सर, कि यार 1 लाख 2 लाख कमाने के लिए तुझे नहीं बनाया है, तुझे महीने का 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमाने के लिए बनाया है, इसलिए मुझे बीएचयू भेजा गया और मेरे साथ इतना गलत हुआ। गलत उस समय लगता था, लेकिन आज लगता है कि जो हुआ सही हुआ। अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। और आज कहते सर कि मैं कुछ भी करता अपना जीवन बदलता। आज हमारे टीम में ब्लू डायमंड है भाई साहब, और अभी आज आप 2 डायमंड मेरे टीम में बने हैं जो आपके सामने प्रमोशन लेंगे। मैं करोड़पति बना फर्क नहीं पड़ता, टीम में करोड़पति है, टीम में डायमंड है, इससे फर्क पड़ा। और आज बहुत सारे लोग का जब जीवन बदला, लोग जब इज्जत देते हैं सर ना, तो दिल गदगद हो जाता है। जीवन में इससे बेहतर काम मैंने आज तक किसी का नहीं देखा, इससे बेहतर काम जीवन में कोई नहीं देखा सर। जहां तो दिल से इज्जत करते हैं, दिल से। और मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मेरा साथ दिया, चाहे वो संजय कुशवाहा हो, चाहे वो अंकुर कुमार गुप्ता, ये 2 लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इस बिजनेस में अगर खड़ा हूँ तो मेरे अपलाइन मिदादी सिंह सर, जो कि मेरे पढ़ाई करते समय गाजीपुर में जा करके सर इन्होंने समय दिया, मुझे स्टेबल किया। मैं अपने आदि दुबे सर का तो मैं, मेरे आइडियल हैं, मेरे भगवान हैं दुबे सर, क्योंकि अगर वो ना होते और वो पीछे नहीं पड़े होते और वो ना मुझे सपोर्ट किए होते तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। और गुरु जी लोग का सपोर्ट रहा तो यहाँ भी खड़ा, एक दिन बनाम रेस्टे भी बनूंगा सर। सबसे ज़्यादा एक और मेरे जीवन महत्वपूर्ण रखे मिस्टर सुकुमार गुरु जी, गुरु जी को मैं नमन करता हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे। क्योंकि मेरे पिताजी भी बड़ा निगेटिव हुए थे जिस दिन मैं छोड़ दिया था बीएचयू। मेरे पिताजी को जब समझा, बोला को यही करना था तो दुकान कर, ये क्या कर रहा है फिर? गुरुजी जाके मेरे मम्मी पापा का फॉलोअप करते थे सर, हम दूसरे का फॉलोअप नहीं कराएं गुरुजी लोगों से, अपने माता पिता का फॉलोअप करवाते, कि बाकी का तो हम खुद कर लेते थे, समझ रहे हो? तो सर आपके मम्मी पापा मना करें तो अपलायंस से उनका भी फॉलोअप करवाओ, सही है? और मम्मी पापा का फॉलोअप हुआ सर, और गुरुजी का आशीर्वाद मिला, और जिसके वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और हमारे ज्ञानेंद्र शर्मा गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं, पिता की तरह इन्होंने भी पूरा अमृता सपोर्ट किया, विकास गुरुजी का हमेशा गाइडलाइन में ना पूरा सपोर्ट रहा। तो हमारे सभी गुरु, चाहे आदित्य सर हो, ज्ञानेंद्र सर हो, विकास सर हो, दुबे सर हो, सुकुमार सर हो, महिपाल गुरु जी, अब उनको तो भाई वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, अकुरी साहब, सभी लोग का मैं तहे से दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि ये लोग ना होते तो शायद मेरा जीवन नहीं बदला होता। और आपको एक लास्ट और बात बोल के जाता हूँ सर, मात्र अगले 3 हफ्ते के बाद, 4th हफ्ते में मेरा ब्लैक डायमंड का 35 लाख रुपए आ रहा है, और उस समय मेरी इनकम 2021 जनवरी में 3 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी, 3 करोड़। ये सब आपके साथ होगा। क्या करना है? टिकना पड़ेगा। क्या करना है?
और दो लास्ट में बात बोलूंगा जो मैंने जीवन में उतारा। पहला, अपने जो अपलाइन है ना सर, उसकी इज्जत जरूर करना, क्योंकि अपलाइन हमेशा हमारे साथ सही करता है। कभी कभी लगता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन नहीं, वो जहां तक देख रहा है वहां तक हम नहीं देख पाते, समझ रहे हो। तो जो तुमको लेके आया है, जो तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है सर, उसको दिल से इज्जत करना, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसने तुम्हारे जीवन में बदलाव किया सर। यहाँ अपना भाई तुमको सपोर्ट नहीं करता भाई साहब, रिश्तेदार नहीं करते, आपका कोई पड़ोसी नहीं करता, एक अननोन अप्लाइन तुमको करोड़पति बनाने के लिए जान लगा देता है सर, सिर्फ इस बिजनेस के अंदर ऐसा है। और दूसरी बात मैं एक बात बोलूंगा कि जब हम यहाँ खड़े हैं तो मैं अपने टीम का पूरा सपोर्ट करने को तैयार हूँ, और मैं सभी लीडरों से यही कहूँगा, जो आपके साथ आता है सर उसका पूरा सपोर्ट करो। बंदा पैसा नहीं, अपना बोलते सर कैरियर आपके हाथ में देता है, किसी के कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और मैंने खुद कसम खाई है सर, अपने टीम के अंदर एक भी बंदे को फेल नहीं होने दूंगा, साला वो भाग जाए अलग बात है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। सफल करके मानेंगे, सफल करके मानेंगे सर, वो भाग जाए हम नहीं छोड़ेंगे। और आज मैं उसी मकसद के लिए काम कर रहा हूँ, और मैं सभी गुरुजी लोगों का फिर से धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, और फिर आप लोगों का इसी तरह साथ बना रहे, इस बिजनेस में डायमंड भी बनाएंगे और ब्रांड एम्बेसडर भी बनाएंगे और खुद बन के भी दिखाएंगे। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।